इन दिनों महिला अपराधों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। शासन प्रशासन महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा तो करती है, लेकिन जिस तरह से घरेलू हिंसा में बढ़ रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बढ़ रहे मामलों को निपटाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला परामर्श केंद्र संचालित किए गए हैं। रविवार को उक्त प्रकरणों के निपटाने के लिए कंट्रोल रूम में 12 परिवारों को बुलाया गया था, जिनके दोनों पक्षों को सुनने के बाद काउंसलर के द्वारा परिवारों को मिलाने का प्रयास किया गया। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निशा मिश्रा ने बताया कि 12 परिवारों को बुलाया गया था, जिसमें से 5 की सुनवाई हो चुकी है, जिनमें 2 परिवारों को आपसी रजामंदी कराकर उनके मामलों में सुलह करा दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने क्या कहा है। कितने लोगों का हुआ, कितने आवेदन? निरीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से काउंसलर को बुला के हमने पारिवारिक प्रकरणों में जो विवाद हैं उनमें 12 प्रकरण रखे गए हैं। 12 परिवारों को बुलाया गया है, जिनमें लगभग 5 प्रकरण को सुन लिया गया है, जिनमें 2 परिवारों का राजी खुशी से आपसी सहमति से समझौता हो रहा है और बाकी प्रकरण अभी सुनवाई में।